तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेसशिप के साथ में काफी तेजी के साथ में अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है, और इसके बाद वह टूका से पूरे अर्थ को स्कैन करने को बोलता है और अर्थ के सबसे पावरफुल वॉरियर के बारे में पता लगाने को बोलता है, जो सुनकर अटूका आगे आ जाती है और इसके बाद वह अपने पावर का यूज करके उसके बारे में पता लगाने लगती है। और इसके बाद वह उस बंदे को बताती है कि पूरे अर्थ पर सिर्फ 3 ही बंदे मौजूद है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इस बात को सुनकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अटूका उसको बताती है कि इन तीनों की पावर ज्यादा नहीं है, यह सिर्फ स्टार ट्रेवलर लेवल पर है, जो सुनकर वो और भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर हमने इन तीनों को पकड़ लिया तो पूरे अर्थवासी हमारे सामने खुद ही सरेंडर कर देंगे। और इसके बाद वो अटूका से इन तीनों के लोकेशन के बारे में पता लगाने को बोलता है, जो सुनकर वो अपने पावर का यूज करके उनके लोकेशन के बारे में पता लगाने लगती है। और इसके बाद वो इसके बारे में उसको बता देती है, जिसके बारे में पता चलते ही वो अपने साथियों को तेजी से आगे बढ़ने को बोलता है। और इसके बाद वो अपने स्पेसशिप के स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और इसके बाद वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। वहीं में होम को दिखाया जाता है जो कि लिसन के साथ में बैठा होता है, पर उसको इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही लिसन को भी इसके बारे में पता चल जाता है और इसके बाद वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। अगले सीन में हमें उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के सामने आ चुका होता है, और इसके बाद वो वहाँ पर फिर से विजुअल हो जाता है। अगले सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वो सभी वहाँ पर पोज मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं में लिसन और होंग को दिखाया जाता है जो कि इनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर वो हार नहीं मानते और इसके बाद वो वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं में बी को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को यहाँ पर ना देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद वो अपने एक आदमी को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर लुओ फेंग के बारे में पता लगाने को बोलता है, जो सुनकर वो आगे बढ़ जाती है और इसके बाद वो लुओ फेंग को स्कैन करना स्टार्ट कर देती है। वहीं में बी को दिखाया जाता है जो कि अपने बाकी लोगों को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर इनको घेर लेने को बोलता है, जो सुनकर वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उनको घेर लेते हैं। वहीं में होंग और लिसन को दिखाया जाता है जो कि इनके पावर को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी पावरफुल वॉरियर मौजूद होते हैं और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है वो भी स्टार लेवल के सेकेंड लेवल पर होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो बी के पावर को चेक करते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टार लेवल के 6 लेवल पर होता है, जिसकी वजह से वो और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारा इनके सामने टिक पाना काफी ज्यादा नामुमकिन है। वहीं हमें बी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी को खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि आज तुम सभी मेरे गुलाम बनने वाले हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम सभी मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुम सभी को नहीं मारूंगा। वहीं हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उससे फाइट करने के लिए जाने लगता है। पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि उसको रोक देता है। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को स्कैन कर रही होती है, पर उसको लुओ फेंग के बारे में पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो इसके बारे में अपने मास्टर को बताती है, जो सुनकर बीबी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर वो कहां पर चला गया है। तो अभी उसको वहां पर कुछ महसूस होता है और इसके बाद वो आसमान में देखने लगता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप होता है और साथ ही ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप के ऊपर लुओ फेंग होता है। अब इस चीज को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि ये तो सिर्फ स्टार ट्रेवलर लेवल पर है, पर इसकी हिम्मत तो देखो, ये स्पेसशिप को लेकर मेरे सामने आ गया। और इसके बाद वो लुओ फेंग को धमकी देना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि अगर तुम इस स्पेसशिप को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुमको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो अभी लुओ फेंग कहता है कि अभी करो, जो सुनकर वहाँ पर काफी सारे स्टार लेवल के बंदे आ जाते हैं और इसके बाद वो उनके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि माइंड रीडर होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की पावर काफी ज्यादा होती है और वो वहाँ पर मौजूद बंदों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। वहीं हमें लुओ फेंग के सारे सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद एलियंस को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, और वहाँ पर ऐसा कोई भी एलियन नहीं होता है जो कि उनके सामने टिक सके। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लीडर के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और इसके बाद वो अपने रोप का यूज करके उसको बांध लेती है। साथ ही साथ हमें लुओ फेंग के बाकी बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर मौजूद सारे बंदों को अपना बंदी बना लिया होता है। वहीं हमें बी को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ पर इतने सारे स्टार लेवल के बंदे कैसे हो सकते हैं। तो अभी वहाँ पर एक और भी बंदा आ जाता है जो कि स्टार लेवल 7 पर होता है। अब इस चीज को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है और
और वो उसको लुओ फेंग के सामने ग्रीट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि ब्रदर सच में तुमने तो यहाँ पर गर्दा मचा दिया, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि अभी तो यहाँ पर ओरिजिनल शो होना बाकी है। तो अभी वहाँ पर एक और स्पेसशिप आ जाता है जिसके अंदर से काफी सारे वॉरियर बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इतने सारे वॉरियर को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं हमें वहाँ पर लुओ फेंग के वॉरियर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने चारों तरफ से बी को घेर लिया होता है। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अटुका को जल्दी करने को बोलता है और यहाँ से भाग जाने को बोलता है। इसके बाद हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जिसने अटुका को पकड़ लिया होता है। वहीं हमें बी को दिखाया जाता है जो कि बबाता को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर इन सभी के पास में ये इंटेलिजेंट क्या कर रही है, और इसके बाद वो अपने बालों को नोचना स्टार्ट कर देता है। पर हमें बी को दिखाया जाता है जो कि अपने बालों के अंदर से एक बॉम्ब को निकालता है और इसके बाद वो उसको सामने की तरफ थ्रो कर देता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो लुओ फेंग को काफी तेजी के साथ में पंच मारता है जिसकी वजह से लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। वहीं हमें उसके सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को रोक देता है और इसके बाद वो उसके साथ में खुद ही फाइट करने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों स्पेस के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर फाइट करते करते काफी सारे स्पेस स्टेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो दोनों फाइट करते करते मून के ऊपर आ जाते हैं। वहीं हमें बी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उन सभी बंदों को खरीदा है, और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो, और कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम अजमा कर क्यों नहीं देख लेते हो। वहीं हमें बी को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को रूड होने से मना करता है और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि अभी के टाइम में तुम जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर तुम्हारे अर्थ का कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करता है जिसकी वजह से अर्थवासी तुम्हारा मदद नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मारे भी जाते हो तो तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। जो सुनकर लुओ फेंग वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो बी को आ जाने को बोलता है, जो सुनकर बी कहता है कि तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा रूड हो रहे हो, और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो लुओ फेंग पर अटैक करने वाला होता है। तो अभी लुओ फेंग वहाँ पर अपने फुल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर में बदल जाता है जो देखकर बी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है और वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि ये तो गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर है, और इसके बाद वो कहता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके सामने टिक पाऊंगा। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि बी से कहता है कि जब से मैंने इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया है मैंने अभी तक इसके पावर को टेस्ट नहीं किया है, तो चलो आज मैं इसके पावर को तुम्हारे ही ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ। वहीं हमें बी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, पर वो कहता है कि अभी के टाइम में मैं इससे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो हो सकता है कि मैं इसका सामना कर सकूं। वहीं हमें गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में रोर करता है जिसको रोकने में ही उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद लुओ फेंग काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो बी को मारना स्टार्ट कर देता है और वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ में बी को मार रहा होता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि बी को क्रश करने वाला होता है जो देखकर बी वहाँ पर शील्ड को बना लेता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर लुओ फेंग उसके शील्ड को तोड़ देता है और वो बी को क्रश कर देता है जिसकी वजह से बी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर वो अपने जान को बचाकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, पर लुओ फेंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाता और लुओ फेंग काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो उसको मारना स्टार्ट कर देता है और वो उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, अभी के टाइम में गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर जो फाइट कर रहा है वो पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा आइकॉनिक है, तो अगर आप सभी इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप इसके इंग्लिश सबटाइटल को जाकर देख सकते हो, आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो की ओर आते हैं। अगले सीन में हमें बी को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो जमीन पर पड़ा होता है, तो अभी वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े से पैर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिसकी
वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अगले सीन में हमें बी को दिखाया जाता है जिसकी हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। साथ ही हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। वहीं हमें बी को दिखाया जाता है जो कि लियो फेंग से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम अपने इस पावर के साथ में मेरे फैमिली का सामना कर सकते हो। और इसके बाद वो लियो फेंग से कहता है कि मेरे फैमिली की पावर इतनी ज्यादा है कि तुमने उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा। और वो इतना कहने के बाद वहीं पर मारा जाता है। अगले सीन में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक चीफ को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे स्टार लेवल के बंदों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो हॉन्ग के पास में कॉल करता है और इसके बाद वो हॉन्ग से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं तो अभी वहाँ पर लियो फेंग आ जाता है। वहीं हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पर बी को भी अपने कंधे पर लाद कर ले आया होता है। वहीं हमें मेंग वन को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के पास में आता है और इसके बाद वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर सच में आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। वहीं हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जो कि मेंग वन से उन सभी के माइंड को रीड करने को बोलता है और सारे जानकारी के बारे में पता लगाने को बोलता है, जिस पर मेंग वन उसको टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि यह काम हो जाएगा। वहीं हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि लियो फेंग के पास में आता है और इसके बाद वो लियो फेंग से पूछता है कि आखिर तुमने और कितने ज्यादा सीक्रेट हमसे छुपा कर रखे हैं। पर हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनको बताता है कि और कोई भी सीक्रेट नहीं है। वहीं हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बबाता आ जाती है। वहीं हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है, जो देखकर लियो फेंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो बबाता से पूछता है कि बबाता क्या गलत है। वहीं हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि लियो फेंग को बताती है कि इस बंदे ने पहले ही अपने फैमिली को हमारे अर्थ के बारे में बता दिया है। बबाता उसको बताती है कि इसके फैमिली के मेंबर ऑलरेडी यहाँ के लिए निकल चुके हैं, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद वो बबाता से पूछते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर आने में कितना ज्यादा समय लगेगा, जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि उनको बताती है कि उनको यहाँ पर आने में पूरे 3 महीने का समय लगने वाला है। अगले सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लियो फेंग के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लैंड करता है और उसके अंदर से लियो फेंग के फैमिली मेंबर निकलते हैं। वहीं हमें लियो फेंग के दोनों बेबीज को दिखाया जाता है जो कि लियो फेंग के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनको अपने गोद में उठा लेता है। तो अभी वहाँ पर लियो फेंग के बाकी फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं। अगले सीन में हमें लियो फेंग के वाइफ को दिखाया जाता है जो कि लियो फेंग के पास में आती है और इसके बाद वो लियो फेंग से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जहाँ पर हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसको बताता है कि ये मेरा नया घर है। वहीं हमें उसके वाइफ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि एलियंस 3 महीने के बाद यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। पर हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एंट्रेंस गेट के पास में आ चुके होते हैं, जहाँ पर हमें लिसन और हॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहीं हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि लियो फेंग के बेबीज के साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उस नए विले के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें वहाँ पर लियो फेंग के सर्वेंट्स को दिखाया जाता है जो कि हर जगह पर तैनात होते हैं। और सच में यह विला काफी ज्यादा बड़ा होता है। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।